अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। भिवंडी के ढाबों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है दस्तरखान रेस्टोरेंट ने, जो टेस्ट और एम्बियंस का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 300 से ज्यादा ड्राई आइटम्स, स्पेशल तवा फ्राई और अद्भुत पिज्जा राइस। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ सुहाने पल बिताने के लिए एक बार जरूर विजिट कीजिए दस्तरखान रेस्टोरेंट एट भिना रॉकरॉय नाका, नासिक रोड, भिवंडी। आज भिवंडी महापालिका ने जारी की आगामी चुनाव की चतुर्सीमा, जिसके मुताबिक भिवंडी कॉरपोरेशन के अंतर्गत 34 वार्ड और 101 सीट पर होगा इलेक्शन। 2021 के सेंसस के मुताबिक कुल 7,09,665 वोटर्स है, जिनमें SC 21,000 और ST 8,100 वोट्स है। 50% महिला आरक्षण रहेगा। फिलहाल इलेक्शन की कोई तारीख अभी तय नहीं। भिवंडी के कई इलाकों में महीनों से चल रही पानी की किल्लत को देखते हुए आज समाजवादी पार्टी ने निकाला जल आक्रोश मोर्चा। इस मोर्चे में कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी के भिवंडी जिला अध्यक्ष रियाज आजमी ने आयुक्त को पत्र देकर इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने की मांग की है। आज भिवंडी महानगर पालिका के कार्यकाल का आखिरी दिन था, जहां महापौर महापालिका के मुख्यालय में विदाई सत्कार कार्यक्रम रखा गया था, जहां सभी नगर सेवक और मनपा अधिकारियों का सत्कार किया गया। साथ ही महापौर श्रीमती प्रतिभा विलास पाटिल ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को भी गिनवाया। भिवंडी के कल्याण रोड लकड़ा मार्केट का आज किया गया नामकरण, जिसे वार्ड नंबर 15 के नगर सेवक दीन मोहम्मद खान के पिता मरहूम हाजी शाह मोहम्मद हमीद खान के नाम पर रखा गया था। दीन मोहम्मद खान का कहना है कि ये लकड़ा मार्केट उनके पिता ने बसाया था, जिसके लिए पालिका की महासभा में ठहराव पास करवा के औपचारिक तौर पर इनका नाम रखा गया। भिवंडी शहर में एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए समाज सेवक इम्तियाज खान ने महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे से की खास मुलाकात। इम्तियाज खान ने मिनिस्टर साहब से भिवंडी की यंग जनरेशन के लिए इन सभी कोर्सेज के लिए फ्री ट्रेनिंग की मांग की, जिस पर मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्दी काम करेंगे। भिवंडी कल्याण रोड के लकड़ा मार्केट का नाम मरहूम हाजी शाह मोहम्मद हामिद खान के नाम पर रखे जाने पर लकड़ा मार्केट के कई व्यापारियों ने विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि ये दुकानें हमने हामिद खान से पैसे देकर खरीदी थी, न कि उन्होंने फ्री में देकर बसाया था, इसलिए इस मार्केट का नाम वलीउल्लाह मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा जाए। भिवंडी के भोईवाड़ा अंतर्गत एक मकान में रात के अंधेरे में चोरों ने लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़कर की चोरी। चोरी के सामान में 23,000 रुपये कैश, 2 मोबाइल फोन और 3 गैस के सिलेंडर उठा ले गए। पुलिस के मुताबिक चोरी 3 से ज्यादा लोगों ने की होगी। भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 457-380 के तहत हुआ मामला दर्ज। मामले की जाँच सब इंस्पेक्टर दिनेश लोखंडे कर रहे हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिवंडी मनपा आयुक्त विजय महसल ने सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर और प्लास्टिक की थैली में कचरा भरकर फेंकने वाले नागरिकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए भिवंडी महापालिका के कर्मचारियों ने अलग अलग इलाकों के दुकानदारों से सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों से 45,000 रुपया फाइन और स्वास्थ्य विभाग ने कचरा फेंकने वालों से 15,300 रुपया फाइन वसूला है। आयुक्त का कहना है कि इसके आगे और भी कड़ी कार्रवाई होगी। भिवंडी के आसबीबी परिसर में स्थित एक प्लास्टिक कंपनी में लगी भीषण आग। गोदाम में पड़े भारी मात्रा में केमिकल्स और प्लास्टिक में किसी तरह आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना विशाल रूप कायम कर लिया। कंपनी के पास पर्यावरण विभाग से ना कोई NOC थी और ना ही आग बुझाने के यंत्र, इसकी जानकारी सूत्रों ने दी। भिवंडी अग्निशमन दल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस तलाश रही है आग लगने की वजह। आज सेंसेक्स 214 अंकों की गिरावट के साथ 54,892 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 60 अंकों की गिरावट के साथ 16,356 पर हुआ बंद। गोल्ड 51,053 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 62,069 और क्रूड ऑयल 9,515 पर ट्रेड करते हुए।